नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 4 साइंस का, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार है। पहला है कार्बन के कंपाउंड्स का नामकरण, और दूसरा है किस किस टाइप के बॉन्ड से ये कार्बन कंपाउंड जुड़े हुए हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन के नामकरण से। नामकरण को नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। अब देखें क्या होता है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं अर्थ में, और कार्बन के अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग नाम हैं। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होने की वजह से उनके नाम भी बहुत सारे हैं। अब देखिए, कार्बन की जो प्रॉपर्टी हमने कुछ पिछले वीडियो में बताई थी कि कार्बन अपने ही कार्बन के बहुत सारे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अपने ही इस एलिमेंट से बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कैटेनेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि नामकरण कैसे किया जाए। देखिए, किसी भी नाम का क्या होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। फर्स्ट नेम क्या कहते हैं हम लोग, प्रीफिक्स, और लास्ट नेम का हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स जो सामने जुड़ता है, और सफिक्स जो पीछे जुड़ता है। अब सामने क्या क्या वर्ड हो सकते हैं जुड़ने लायक कार्बन में, और कार्बन में जो प्रीफिक्स जुड़ता है वो किस कारण, कौन से मैटर या फैक्टर डिपेंड करते हैं जिस कारण सामने का नाम जुड़ता है। तो हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ कार्बन ये डिफाइन करता है कि उसका प्रीफिक्स क्या होगा। अगर कार्बन का एक कार्बन है तो उसका नाम होगा मेथ, दो कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा एच से, तीन कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा प्रोप से, चार है तो ब्यूट से, पाँच है तो पेंट से। इसके आगे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन और डेका, ये डिपेंड करते हैं 6, 7, 8, 9 और 10 पे। ये बहुत आसान है, आप किसी भी कार्बन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसका प्रीफिक्स क्या होगा। आपको बात समझ में आ गई। अब जाते हैं सफिक्स पर। सफिक्स होता है जो पीछे जुड़ता है, तो पीछे जुड़ने वाले नाम डिपेंड करते हैं कि उनके पीछे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर उसके पीछे ओ एच लगा हुआ है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नाम होगा ऑल। ऑल साउंड करता है, जैसे अगर सी एच थ्री ओ एच है तो यहाँ पे कार्बन वन है तो ये होगा मैथ, और बाद में ये ओ एच लगा है तो उसका साउंड ऑल बनता है, तो इसका नाम होता है मैथेनॉल। अब इसी प्रकार से इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे सफिक्स लगेगा एन। कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन से तो यहाँ पे लगेगा इन, और कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे लगेगा आइन, वाई एन ई। और इसे हम केन, कीन, काइन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर के जोड़ा जाए तो ये केन, कीन, काइन होता है। तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत अच्छे समझ में आया रहेगा। तो हम इसके नामकरण के आगे स्टेप देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टेबल बना हुआ है। टेबल में हमने यहाँ पे केन सीरीज, काइन सीरीज, केन, कीन सीरीज और काइन सीरीज यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, केन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कीन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और काइन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसके स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि केन में होता है CnH2n+2, कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहाँ प्लस टू है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पे माइनस टू है। ये एक टाइप का एपी सीरीज है। अब ये बताते हैं कि किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, केन, किन, काइन, और यहाँ पर जो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सब की सीरीज लिखी हुई है, ये हमारा प्रीफिक्स बनाते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। एक कार्बन है तो मैथ लगेगा, दो कार्बन है तो एथ लगेगा, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट। तो चलिए हम स्टार्ट करके यहाँ देखते हैं फॉर्मूले से। अगर यहाँ पर CnH2n+2 है और हमें नंबर ऑफ कार्बन वन दिया गया है, तो यहाँ देखते C1H2 × 1+2 लिखा, तो यहाँ बनेगा CH4। तो ये होगा मैथ, एक कार्बन है तो मैथ लगा, और ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अब यहाँ देखते हैं किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कार्बन के चार वैलेंस है और चारों में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये होगा मैथेन सीरीज, यानी ये प्रोडक्ट होगा मैथेन, इसका कंपाउंड। अगर यहीं पे हम तीन ले लेते हैं, C
C3H 3 × 6 + 2 = 8 C3H8। अब कार्बन में कितने कार्बन है इस प्रोडक्ट में, कंपाउंड में, इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे हम लोग प्रोप। और ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर, और यहाँ सभी कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो ये क्या होगा प्रोप और ए एन ई, तो ये बनेगा प्रोपेन। यहाँ देख सकते हैं प्रोपेन ए एन ई, ये होता है केन सीरीज का, और प्रोप जो लगा वो नंबर ऑफ कार्बन से लगा, तो ये होता है C3H8। अब यहीं पे हम देखेंगे कीन सीरीज का, तो यहाँ पे कीन सीरीज में फर्स्ट वाला एन इज इक्वल टू 1 सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, अगर C को 2 रखा जाए C2H4, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाता है कीन, डबल बॉन्ड, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों C को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और कार्बन की 4 वैलेंसी है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे जोड़ेंगे H H H और H, आप देख सकते हैं यहाँ पर C2H4 बन गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो यहाँ पे लगेगा एथ, यहाँ देख सकते हैं एथ, और बाद में सीरीज कौन सी है हमारे डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे लगेगा कीन, तो इसीलिए लगा इन ई एन ई, तो ये लगा प्रोप 2 नंबर के कारण लगा, और जो पीछे वन लगा वो इन सीरीज के कारण, तो यहाँ पे C3H6। अब यहाँ देख सकते हैं अगर हम 2 नंबर का एग्जाम्पल ले वेयर एन इजिकल टू, तो यहाँ बनेगा C2H4, और C2H4 में क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो यहाँ पे लगेगा एथ, आप यहाँ देख सकते हैं, और जो इन लगा वो किस तरीके का लगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और बाद में इसके 4 वैलेंसी 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब यहाँ पे लगेंगे हेच 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 और हेच, तो कितने हुए 1 2 3 4, तो यहाँ पे हेच 4 है, और कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे कार्बन 2 है, और ये फॉर्मूला हुआ एथीन। और यहाँ एथाइन का जो फॉर्मूला है वो भी कैसे बनेगा, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ देखिए केन सीरीज का CnH2n+2, कीन सीरीज है CnH2n, और ये काइन सीरीज है एल्काइन सीरीज, इसमें होता है CnH2n-2, तो यहाँ पे जैसे एथाइन है, एथाइन बताता ही है कि n इज इक्वल टू 2 है, तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूँ ये वैल्यू, तो यहाँ बनेगा C2H2 = 4 - 2 2। अब यहाँ बॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये है वाई एन ई सीरीज, वाई एन ई में क्या होता है डबल बॉन्ड जुड़ते हैं, और बाद में जो बचा यहाँ पे एक हैच और यहाँ पे एक हैच, यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, यहाँ भी कार्बन 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, और बॉन्ड जो बन रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और 2 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ देखिए C2 2C है और H2 यहाँ पे 2H है, इसीलिए वाइन सीरीज है वाई एन ई, एल्काइन भी बोल सकते हैं, यहाँ भी ऐसा ही हुआ, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तभी आपका वाई एन ई जुड़ेगा, और यहाँ पे एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए 1 कार्बन कार्बन बीच, जैसे यहाँ पे है एथीन में, और यहाँ पे है प्रोपीन में, यहाँ है ब्यूटीन में, यहाँ पे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी आपका इन सीरीज लगेगा, और यहाँ पर जितने भी कंपाउंड है चाहे मेथेन हो एथेन हो प्रोपेन और ब्यूटेन सभी में सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब यहाँ पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर फंक्शन ग्रुप। देखिए नॉमेनक्लेचर फंक्शन ग्रुप ये होता है कि पीछे कौन सा प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, तो सी वो जुड़ा या तो सी वो हेच से जुड़ा है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर समथिंग है, वहाँ आप जाकर इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं कि फंक्शन ग्रुप के बारे में कहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथेन से, तो यहाँ अगर मैं CH3OH लिखूँ तो वो एच क्या साउंड करेगा ऑल का, और ये क्या बता रहा है CH3 में से अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ तो कार्बन कितने वैलेंसी पूरी हुई, 4 वैलेंसी पूरी हुई, और कार्बन कितना है 1, तो यहाँ पे मैथ यूज हो रहा है प्रीफिक्स में, और बाद में जो बचा वो ऑल है, तो इसीलिए अगर एक कंपाउंड यहाँ पे एक एच को रिप्लेस भी कर दिया मेथेन की जगह, तो यहाँ पे जो ओ एच आके जुड़ा है वो मेथेनॉल साउंड देता है, मेथेनॉल। एथेनॉल का भी इसी प्रकार है,
एथ ये बताता है कि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टू। तो हमने दो कार्बन बना लिया। अब यहाँ पे कुछ भी जोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे और ऑल जो साउंड है उसको लास्ट में जोड़ेंगे, ऑल मैथेनॉल, एथेनॉल। अब आता है एथेटिक एसिड। एथेटिक एसिड का क्या होता है सब्स्टिट्यूट, ये होता है फंक्शन ग्रुप होता है COOH। अगर मैं लिखूँ एथेटिक एसिड तो यहाँ पे आएगा आपका CH3COOH। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के तीन हाइड्रोजन से बंधे हुए हैं जो दिख रहा है आपको CH3 से, और जो COOH ग्रुप है वो एक फंक्शनल ग्रुप है जो इससे जुड़ा हुआ है, तो इसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टू। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ दो कार्बन है और बाकी COOH से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दो होने की वजह से ETH नाम आया और ओइक। अब जो एसिटिक एसिड में जो ये नाम है COOH उससे आता है ओइक साउंड, तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड इसका नाम आता है। तो आपको समझ में आया कि नामकरण कैसे हो रहा है। नामकरण के लिए दूसरी वीडियो भी बनाई गई है फंक्शनल ग्रुप पर, आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस तरह के बॉन्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर तीन बॉन्ड के बारे में बताया गया है, और तीन बॉन्ड में आता है स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक। ये बहुत ईजी टॉपिक है। अब स्ट्रेट चेन हमको समझ में आया कि एक सीरीज में जो चीज़ है कार्बन उसमें सीधा सीधे जुड़े रहेंगे स्ट्रेट चेन से, वहीं जब हम ब्रांच चेन की बात करते हैं तो इसी का प्रोडक्ट में, इसी प्रोडक्ट में कंपाउंड में कार्बन ब्रांच भी जुड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर तीन जुड़ा हुआ है तो ये चौथा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, एक ब्रांच बना लेता है, तो ये अगर लेंगे हम तो इसमें एक ब्रांच बन जाता है, ये किसी लंबे कंपाउंड में किसी लंबे स्ट्रेट चेन के बीच का एक पार्ट जो कॉमन है या रिपीट हो रहा है उसे हम ब्रांच कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्ट्रेट चेन रिमूव फ्रॉम द वन हाइड्रोजन एंड रिप्लेस विथ कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन से रिप्लेस कर दिया, कार्बन एटम से, तो ये है ब्रांच साइकिल। और साइक्लिक क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक भी होगा या तो ये क्लोज्ड रिंग होता है, ये ऐसा भी एक साइक्लिक चेन ही होगा, बट यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्लोज होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे है C6 और H6, ये है होता है बेंजीन जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ये साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड है जो साइक्लिक बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको समझ में आया रहेगा ये वीडियो में बताया गया टॉपिक या नामकरण, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल बियॉन्ड स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।